ये कलर देख ले, कलर तो नहीं ये लेना है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को कलर बहुत अच्छा लग रहा है, कलर देख ले, सूट बहुत प्यारा है। गाइस आज मेरी मम्मी एक महीने बाद शॉप पे आई है, आज आजो आजो आजो, चला जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं हो रही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं, नए ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, आपका दिन शुभ मंगलम जाए, मेरा भी। तो गाइस अभी परी को स्कूल छोड़ के आई थी, तो मैं नहा रही थी तो सुनील ने फोन उठाया, प्रिंसिपल का फोन आया था परी के स्कूल से, कह रहे हैं कि परी को ले जाओ घर, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, वो ना फीवर सा लग रहा है उसको, टेम्परेचर, तो आप घर ले जाओ। फिर मैं उसको घर ले गई तो सुनील ने विक्स लगाई, दवाई पिलाई उसको, खांसी की, जुकाम की, फीवर की, तो अब अपना रेस्ट कर रही है। तो गाइस इसलिए आज, कल सुनील जी को कुछ काम पड़ गया था तो जा नहीं पाए, तो आज सुनील जी कह रहे हैं मैं शॉपिंग के लिए फाइनली आज जा ही रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, तो आपको सारा ब्लॉग में दिखाएंगे। सो गाइस रेडी हो चुकी हूँ करवा चौथ शॉपिंग के लिए, तो आज पूरा निकल गया है, सुनील जी का फ़ोन आया कह रहे रेडी हो जा, पर रेडी हुई हूँ और अपना मैं जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने। तो गाइस आज का ब्लॉग मिस मत करना, सारा ब्लॉग में हर चीज़ एक एक चीज़ दिखाएंगे, जो जो मैं लूँगी शॉपिंग करूँगी, और आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आप शॉपिंग के साथ। हाँ मैं जा रही हूँ फिर सूट लेने, चलिए चले जाओ, बता रही हूँ ना आपको, मैंने कहा परी यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। हाँ छोड़ जा इसको ना, वो पहना दे जूते, जूते इसके रख दिए आप, ये उठा के फेंक रही, क्या करूँ अब, तू कह रही बुखार है, अब बुखार में ये नंगे, दवाई तो दे दिया उसको, अब ठीक है। हाँ सुनील बता रहा है दवाई, सुबह खांसी जुकाम की भी दे दिया, बुखार की भी दे दिया। प्रिंसिपल के रूम में बैठी हुई, प्रिंसिपल कह रही है कि जब कल से सुस्त लग रही है लड़की, कह रही इसको ले जाओ, फिर फोन आया, फिर मैं ले के आई उसको घर, ठीक है। तू गई ना, पता नहीं चला जब तू, मैंने कहा गेट से कोई गया पता नहीं आया। हाँ फिर हम देख रहे थे कि तू परी हो, परी उसमें तो नींद में थी, जैसे एक तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, प्रिंसिपल कहाँ पे जा रहे हैं, अब देखती हूँ आ रहे समाज, देखती हूँ कहाँ, अभी ये कह रहे हैं कहीं तो ले जाए, जा रहे दादू लोगों बुलाने इसको परी है, क्या लेने जा रही है, खोल के दिखा दे, हैं 500 रुपये, 500 मुझे दे दे, मैं भी घूमी घूमी करने जाऊंगी, बाय, ठीक है। उई, क्या छोड़ता दिखा तो सही, क्या छोड़ता, कौन लाया ये, अभी उठता भी होता है, और कौन बैठता है इस पे, तन्नू बैठते हैं, परी नहीं बैठेगी, रिमोट वाला है, फिर कैसे चलता है, परी परी अब एरोप्लेन में फ्लाइट में घूमने जाएगी, परी दुबई जाएगी हम घूमने, है ना, ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो अच्छा लगा इसको, बहुत एक कलर ये आएगा, एक कलर ये भी है इसमें, ये कलर भी अच्छा नहीं है, ये वाला लगाना भी है, ये वाला अच्छा लग रहा है, परी कैसा लग रहा है मम्मी को, है परी बोलती नहीं, आप देखो मम्मी, उससे अच्छा लग रहा है, है ना परी, बताओ मम्मी को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, तो बढ़िया लग रहा है, दुपट्टा इसका कैसे, बढ़िया लग रहा है, दुपट्टा प्लेन है, दुपट्टा प्लेन है, हां दुपट्टा प्लेन, पीस से रेड कलर अच्छा भी लग रहा है, सर मेरे पास है नहीं इसलिए कह रहा हूं, कलर बहुत अच्छा है, आज तक पहना नहीं, नहीं राजा कलर देख ले, कलर तो नहीं लेना है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मनीषा सही लग नहीं रहा, हां कलर देख ले, सूट बहुत प्यारा है, एक इसमें देख ये कलर भी, मस्टर्ड भी है, वाइन कलर भी है उसमें, वाइन या रेड भी है, तो रेड ही कैसा लग रहा है, तो मैं ना तुमसे ज्यादा
कलर इसी का नहीं अच्छा लग रहा, वो कलर सही नहीं लग रहा, ये खिल रहा है। चलो पसंद ना तो ले ले कोई, नहीं नहीं मैं कहा ये तूने रेड मैरून तेरे पास है, तेरे पास ना वो स्काई ब्लू कलर नहीं, नहीं तेरी पसंद है भाई, करवा चौथ तेरा ये भी सही लग रहा है, उसके मुकाबले कुछ नहीं लग रहा, उसके मुकाबले कुछ नहीं लग रहा, ये थोड़ा पार्टी वेयर होगा, सूट तो अच्छा है नो डाउट, सूट में कमी नहीं है, थोड़ा सा पार्टी वेयर, थोड़ा ज्यादा हैवी लग रहा है। गाइस बस अभी मार्केट से कपड़े चेंज किए हैं और अपना सूट मेरा फाइनल हो गया करवा चौथ का, तो आप ब्लॉग में देखना बताना गाइस कमेंट्स में कि आपको मेरा सूट कैसा लगा, सुनील जी का पसंद का लिया, सुनील जी ने लेके दिया, तो सुनील जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे को करवा चौथ का सूट बहुत अच्छा लेके दिया और मेरा फेवरेट कलर लेके दिया, और गाइस आप भी कमेंट बताना आपको कैसा लगा, और बस अब चूड़ी रह गई हैं और मेरे लिपस्टिक रहेगी, बिंदी रहेगी और थाली छन्ना लोटा वो भी लाऊंगी तो आपको वो भी दिखाऊंगी, तो गाइस कमेंट जरूर बताना कि मेरा सूट कैसा लगा। गाइस माँ चने की दाल उबल चुकी है और तड़का तैयार हो चुका है, मेरे पंजाबी में साले तड़के लिया तो बना रहे माँ चने की दाल डिनर में, तो आई गाइस आप भी यम यमी खाइए। गाइस आज मेरी मम्मी एक महीने बाद शॉप पे आई है, आज आजो 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 चला जा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। आज डॉक्टर पास लेके जाना था मम्मी को, मैं कहा चलो, हमेशा हर हफ्ते मैं जाके दवाई लेकर आ रहा था, मैं कहा मम्मी को आज मैं लेके चलता हूँ, आज मैं कहा मम्मी आप चलो आपको डॉक्टर को चलते बैठ जाओ पानी में बैठो फिर चलते हैं, चला जा रहा है ना आपसे, हैं ठीक है बैठो जी। और आज मम्मी मंदिर भी गई है, वो मंदिर क्या कहो हॉस्पिटल गई है और मम्मी का टेस्ट हुआ और डॉक्टर कह रहा है कि एकदम टेस्ट नॉर्मल है, रिपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है, और आते ही मम्मी ने आज जोत भी जलाई है, दिखा जरा गाइस देखिए आज मम्मी ने जोत जलाई है, जोत जलाई है और आप देखो शॉप पे बैठी हुई आराम से, आराम से आज कम से कम एक महीने बाद आई मम्मी दुकान पे, आज मैं ना कम से कम एक महीने बाद आई मम्मी, एक महीने बाद, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे गाइस के बाद, आप लोगों की दुआ माता रानी की कृपा और मेरे बच्चों ने और ये मेरा बेटा इतना अच्छा है, देखो दुकान छोड़ के मेरे को डॉक्टर का लेके गया, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है और सब नॉर्मल, फिर मम्मी पार्टी पक्की है, अब पक्की है। अब आपको छोड़ेंगे नहीं, आज आज गाइस चाय मम्मी दुकान पे पी रही है, आज पहले मुझे दुकान पे थोड़ी देर बैठने का मन है मेरा, मैं कहा बैठ जाओ तो निशा चाय बना के लाई है, मम्मी यहीं अपना चाय अपना पिएगी, ये बेटा मेरे इतना अच्छा है, भगवान सबको ऐसे बहुत मेरी सेवा करती है, और निशा ने भी करी है, पूजा ने भी करी है, मम्मी ने भी करी है, मेरे आंटी ने भी करी है, ठीक हो गए ना, मान ले सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आप ठीक हो गए, क्यों सुनील जी अभी सारी मेरी ना सब ताकत की दवाइयाँ ली, अब डॉक्टर सारी ताकत की दवाइयाँ दी, अभी एक हफ्ते मम्मी एकदम फिट एंड हमसे भी तेज चलेंगे, देखिए वाह आप पीछे हो जाएंगे, ठीक है चलो ठीक है ना, रिपोर्ट नॉर्मल आई है ना, ठीक हो जाए इससे बढ़िया कोई बात नहीं, एक महीने बाद आज शॉप पे आएंगे जाके, सही लग रहा है ना, फील सही करो ना, चलो चाय पी लो आ जाओ, सीढ़ी चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो की दवाई खाऊंगी ना, वो दो चार दिन वो विटामिन की दी होंगी उसने, विटामिन की 15 दिन की दवाई दी, उस समय आपको बहुत फर्क पड़ेगा बॉडी में आपको, पापा आज मम्मी डॉक्टर पास गई थी आज, क्या कहा डॉक्टर ने पूछो मम्मी से, हाँ उसने चेक किया और कह रहा है एक ब्लड टेस्ट दो कराए, दो टेस्ट हुए, कह रहे कि उससे पता चलेगा, वो पूछने लगा अभी वो मशीन का बताए जो लगाते बाईपैप वाली मशीन, तो सुनील ने बताया अभी एक हफ्ते बाद हटा दी, तो कह रहे फिर है ना एक टेस्ट दो टेस्ट चाहिए अभी कराए, अभी उसकी रिपोर्ट दिखाओ, कहना डॉक्टर साहब ने बोला है कि अभी रिपोर्ट दो, तो जब टेस्ट कराने गए ना तो वो बोलते हैं एक रिपोर्ट तो हम 10 मिनट में दे देंगे और एक रिपोर्ट 2 घंटे बाद, तो जो 10 मिनट वाली रिपोर्ट थी ना वो उसने यहाँ से पकड़ लिया, फिर वो ब्लड की रिपोर्ट लेके ना वो कह रहा ओके है ये अब इन्फेक्शन खत्म हो गया और अब ठीक है, डॉक्टर कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई
डॉक्टर कह रहा है इनकी रिपोर्ट देख के ना आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। कह रहा अगर ये जैसे रिपोर्ट सही ना आती ना तो ये इनको पूरा जिंदगी लगाना। कह रहा हमें तो ये लग रहा था कि बाईपैप की जो मशीन है ना वो इनको जिंदगी भर लगानी पड़ी, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लिया। मुझे भी खुद देख के ताजुब हो रही है। तो मैं कहा इनकी सेवा इतनी करी है हमने, हम आपको क्या बताएं। मैं कहा वो एक रोटी खाती थी, दो खिलाई उनको जबरदस्ती। हाँ तो पापा खुश नहीं हुए रिपोर्ट सुन के? क्यों नहीं हुए पार्टी ना देनी पड़े निशा को। अच्छा ये बात है। हाँ सूट आ रहना लेना पड़े। हाँ। मेरे बच्चों ने ना मेरे को हरी सब्जियां खिलाया, खीरा खिलाया, फल फ्रूट। बाकी डॉक्टर कह रहा है चिंता की बात नहीं, अब आपकी मम्मी पहले की तरह स्वस्थ हो गई हैं, अब इनको खिलाओ पिलाओ और घुमाओ इन्हें, और ये वाली एक्सरसाइज कराओ और ये वाली एक्सरसाइज कराओ बस। कह रहे आप जब घुमाओ हाँ कह रहे हैं जो विटामिन्स प्रोटीन्स की जो गोलियां दी है ना मम्मी को भी, वो कह रहे हैं आपको पीछे कर देंगे सुनील जी, मम्मी आगे चलेंगे तुम्हारे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी मम्मी। ऐसे नहीं कह रहा, मजाक कर रही मम्मी, मजाक कर रही। डॉक्टर ने कहा भाई ये मशीन जो है ना ये मम्मी को करती रहे, और जो भी मम्मी कमी है ना अंदर लंग्स के अंदर वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। निशा जी अब तो खुश हो, अब तो कोई कम्प्लेन नहीं है? नहीं आप कम्प्लेंट कर रहे थे ना रोज गोली दे रहा हूँ। आज तो कमेंट भी आया था, तो आज तो निशे कमेंट भी आया था क्या? तो गाय आज पता नहीं किसने नवनीत कौर जी का शायद कमेंट आया था, सुनील तो बड़े गोलीबाज है, गोलीबाज है और रोज गोली देते हैं और अच्छी बात नहीं है, आपको गुस्सा होना चाहिए। तो निशा जी बताओ मैं गोलीबाज हूँ कि नहीं? गाइस एक बात बताऊँ आपको, सुनील गोलीबाज नहीं है, थोड़ा बिजी रहते हैं शॉप में अकेले हैं, थोड़ा उनको थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, वह बोल रहे थे। तो आज गाइस मैं बहुत खुश हूँ, आज सुनील जी ने मेरे को सूट मन पसंद का ले दिया है, अब मेरे को कल बैंगल्स लेनी है, लोटा लेना है, छन्ना लेना है और थाली लेनी है, वो कल मैं लेकर आऊँगी। आज मैं सूट के लिए गई थी शॉपिंग के लिए, तो सुनील ने मैंने जिस पे हाथ रखा वही लेके दिया, मना नहीं किया। निशा ने जिस सूट पे हाथ रखा है मैंने वही लेके दिया, आपको चार पाँच बता दू मेरे हस्बैंड को गोली बार मत बोलना, वो थोड़ा बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो मैं भी थोड़ा करने का थी, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, हमने साथ रहना जिंदगी भर, तो लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, ऐसे घर खराब होता है और रिलेशन भी खराब होते हैं। तो सुनील जी जैसे बोलते हैं मैं मान लेती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ तो सुनील जी मान लेते हैं, ऐसे तभी हमारी गाड़ी चल रही है। अगर हम दोनों हाइपर हो जाएंगे तुम्हारा घर भी खराब होगा और कोई बात भी नहीं बनेगी हमारी। तो गाइस इसको सूट लेके दे दिया बढ़िया, आपको उस ब्लॉक में सूट दिखाया है, और बताना मत करा करीजिए, और गाइस बताना कि इन सारे सूटों में से आपको सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा है, और कमेंट करके बताना। मुझे जो अच्छा लगा था मैंने तो निशा को ले दिया, और आपको करवा चौथ पे ये पहन के दिखाएगी, तो आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। गाइस बहुत बढ़िया सूट लेके दिया, पहली बार इन्होंने अपनी मनपसंद का सूट लेके दिया, इतना बढ़िया लेके दिया, इतने बढ़िया मैंने कभी शॉपिंग करी। चलो ठीक कोई बात नहीं, तो गाय इसी के साथ थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, आप मेरी जान हो, कोई थैंक यू की बात नहीं। तो गाय इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और कमेंट करके जरूर बताना कि सूट आपको कौन सा अच्छा लगा। देखेंगे कमेंट में किसको कौन सा सूट पसंद आया। हाँ बाय बाय।